बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल लर्नर ट्यूब के ऊपर। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग पे थी, सब लोग इसकी डिमांड भी कर रहे थे, सब लोगों को चाहिए भी थी। सबको ये था कि भाई यूट्यूब के ऊपर जब हम चैनल बनाते हैं तो वो हमें कहता है कि भाई अर्निंग करने से पहले 4000 वॉच आवर्स लेके आओ। तो ये 4000 वॉच आवर्स कैसे आएंगे, क्या होगा, क्या करना होगा, कैसे लाएंगे और क्या इसकी तरीकेकार होंगे, तो आज हम आपको सारे प्रोसीजर्स बताएंगे इसके कैसे आते हैं 4000 वॉच आवर्स। तो सबसे पहले इसको हमने तीन स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया है, चार स्टेप्स में। पहला स्टेप मेरे पास है हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स, 4000 घंटे लाने कैसे हैं। फिर है हाउ टू गेट व्यूज, सही व्यूज कैसे लाने हैं। तीसरा स्टेप है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना, क्या करना है वो तो हम आपको सब बताएंगे, क्या नहीं करना वो भी आपको बताया जाएगा, सही। और जो उसका चौथा स्टेप है वो है कि सब्सक्राइबर कैसे आएंगे आपके पास। तो ये चार स्टेप से इसको इंशाल्लाह हम अलग अलग स्टेप में अलग अलग वीडियो में करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन स्टार्ट करते हैं कि 4000 वॉच आवर्स आएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए 4000 वॉच आवर्स का मतलब क्या होता है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है, कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं है कि आपको लगे कि यार ये 4000 तो पता नहीं कब होगा। तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ज्यादा सिंपल भी नहीं है, मानता हूँ ज्यादा सिंपल नहीं है, लंबी चीज है, लेकिन आप जब समझ लेंगे कि क्या मतलब है इसका, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों 1000 वॉच आवर्स के अंदर होते हैं 60000 मिनट, तो 2000 के अंदर 120, 3000 के अंदर 180, 4000 वॉच आवर्स के अंदर होंगे 240000 मिनट, सही। तो दोस्तों आपको असल में कहना है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो लोग 240000 मिनट उसको देखें। अब अगर एक बंदा 50 सेकंड देख रहा है, एक बंदा 70 सेकंड देख रहा है, तो ये मिला के 2 मिनट काउंट हो जाएंगे। अब इसके मुख्तलिफ टिप्स होते हैं, सही, ये मैंने आपके सामने ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि आपको 240000 चाहिए, सही है, इसकी मीनिंग होती सिंपल काम में। अब मान लीजिए कि आपका जो होगा, आपने एक वीडियो डाली जो कि है लोगों ने देखी 5 मिनट, सही है, सब लोगों ने फॉर एग्जांपल 5 मिनट देख ली और उसके ऊपर व्यूज आपके पास आ गए, बहुत वायरल नहीं हुई, थोड़ी सी वायरल होगी, 50000 व्यूज आ गए, तो अब जब आप 50000 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास 250000 हो गए। दोस्तों ये 240000 से ज्यादा बनता है, यानी कि आपने जो टारगेट अपने लिए सेट किया था आप उससे बेहतर कर गए हैं। तो दोस्तों अगर आप कहते हैं कि भाई 50000 तो बहुत कम होते हैं, तो चलें आप ऐसी 10 वीडियोस डाल लीजिए जिसको कोई 5 मिनट तक देखे, इंटरेस्टिंग वीडियो हो, इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए, लोगों को उसका ध्यान बना रहना चाहिए, तो 5 मिनट भी अगर इसको देखें, और 10 वीडियोस हैं, आपने महीने में 10 वीडियोस डाली हैं, 5000 उनके व्यूज आ गए हैं, तो ये भी जो होगा हिसाब 2.5 लाख तक ही बन जाएगा, सही। तो आपको मेन फोकस जो है आपको व्यूज पे नहीं करना, मेन फोकस आपको वॉच टाइम पे करना, इंटरेस्टिंग पे, इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट हो आपका, सही। तो उसके लिए मुख्तलिफ टिप्स होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी चैनल है, बॉलीवुड गॉसिप का चैनल है, कोई रिएक्शन चैनल है या कोई टेक्नोलॉजी चैनल है, खासकर टेक्नोलॉजी में तो ये बहुत होता है और रिएक्शंस वाले जो होते हैं उसमें भी बहुत होता है, तो दोस्तों आपको करना ये है कि आपको लेटेस्ट अपडेट रहना है और जो सबसे नई न्यूज आती है मार्केट में, कोई नई न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है, तो आपने ये करना है कि फौरन के फौरन उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लेना है, अनइम्पोर्टेंट डाटा के साथ नहीं आना, इम्पोर्टेंट डाटा लेना है और फौरन कैमरे के सामने आके आपने रिकॉर्ड करके फौरन उसको अपलोड करना है, इससे पहले कि कोई और उसको करे अपलोड करे, इससे पहले कोई और उसके बारे में बोले, आपने बोलना है, क्योंकि जब जो सबसे पहले आता है मार्केट उसी की हो जाती है। आज आप करीम की कंपनी खोल लें, उबर कंपनी खोल लें, आज आपको वो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उबर सबसे पहले इस आइडिया के साथ आया, उबर ने सबसे पहले इस पे काम किया, अब जो बंदा आएगा वो इसका कॉपी कहलाएगा, ओरिजिनल काम उबर का है, तो आपने सबसे पहले करना है, सही। और लेटेस्ट न्यूज डालने इसके अलावा ये है कि अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे आपने हेल्प लेनी है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने हैं, उनसे गाइडेंस लेनी है, वो आपको अच्छे से बताएंगे, और उनके साथ आपने ये करना है कि उनसे कहना है कि भाई आप जो हो आप जरा अपने पेज पे शेयर कर दो मेरी वीडियो, अगर मान लीजिए एक बंदा है जिसके 1000 सब्सक्राइबर है वो शेयर कर देता है फॉर एग्जांपल अपने फेसबुक फैन पेज पे शेयर कर देता है, सही, तो
तो क्या होगा, आपके धड़ाधड़ व्यूज आ जाएंगे, फिर तो आपके लिए व्यूज का इशू नहीं होगा, आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। या कोई ऐसा बनना जैसे कम्युनिटी टैब इनेबल हो, सही, कोई ऐसे यूट्यूबर हो 50,000 सब्सक्राइबर हो 1,00,000 हो, वो करेगा तो भी अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा तो भी उसके जो कम्युनिटी होगी वो बहुत देखेगी आपकी वीडियो। तो दोस्तों ये मेथड था, इसके अलावा एक और मेथड था रिएक्शन चैनल जो आजकल बहुत चलता है। जैसे शामिद रेस ने वीडियो बनाई तो डक्की भाई ने उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया, डक्की भाई के रिएक्शन के ऊपर एक बंदे ने एक और रिएक्शन दे दिया। तो ये रिएक्शन चैनल जो है आजकल बड़े वायरल चल रहे हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको एक बार बता दूं कि रिएक्शन चैनल बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो रिएक्शन हो वो रियल होना चाहिए, कोई फेस नहीं होना चाहिए, किसके ऊपर आपने इल्जाम नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो आपकी वीडियो को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलेंगे, जिससे आपकी रेटिंग खराब हो सकती है यूट्यूब पे। और अगर इस बंदे ने आपके ऊपर केस कर दिया वो अलग बात है। तो दोस्तों मसाला लेकिन सबको पसंद है, तो आपने रिएक्शन चैनल के ऊपर अगर आप काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये होगा कि अप टू डेट रहना होगा, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इससे अच्छी अच्छी न्यूज दें। तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे कोई न्यू वीडियो आएगी आपने फौरन ही फौरन उसका रिएक्शन बनाना है, उसको अपलोड कर देना है, सही दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी व्यूज में इशू आ रहा है, फिर भी आपको मसला हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं फनी वीडियोज बना सकते हैं। फनी वीडियोज तो दोस्तों सबको ही पसंद आती है, हर किसी को मजाक चुटकुला अच्छा लगता है। तो लेकिन फनी वीडियो बनाते हुए अपने अगर आपको कहीं से कोई आपकी दोस्त है, कोई क्लास फेलो है जो आपके साथ वीडियो में आना चाहती है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको व्यूज जो होंगे वो धड़ाधड़ मिलेंगे, क्योंकि लड़कियों की जो होती है नेटवर्किंग भी अच्छी होती है, सहेलियों का सिस्टम भी होता है, लोग भी वही देखना चाहते हैं। तो कोई फनी वीडियो बनाए जिसमें आप किसी की घर लो उसको बोले कि भाई हमारी अपलोड होगा, व्यूज आएंगे, तो जाहिर सी बात पार्टनर कह लें फनी वीडियो पे आपको बहुत सारे आ सकते हैं। कोई जस्ट फॉर लाफ कर लें, कोई छोटे से प्रैंक वगैरह कर लें, जैसे हमारे सामने नादिर अली की एग्जांपल है, रियल कंटेंट बनाते हैं, हालांकि वो सारे मेल कम्युनिटी है, लेकिन अगर आप उसमें फीमेल को ले आएंगे तो और ज्यादा इसमें वो रहेगा। अच्छा दोस्तों अगर आपको फिर भी व्यूज नहीं मिल रहे तो आपके पास फिर एक आसान तरीका है वीलॉग करने का। वीलॉग बनाइए, आप जाहिर सी बात है आप शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, आप जगह जगह जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, कहीं खाने जाते होंगे। दोस्तों जैसे आपकी कोई फेवरेट डिश है, आप गए हैं, आप चले गए, आप निहारी खाने चले गए, वहां आप जाएं, वहां उनके किचन का फॉर एग्जांपल कोई फेमस शॉप है, उसके पास आप गए, जावेद निहारी में आप गए, आपने जाके उनके किचन आपने एक्सप्लोर किया, सही दोस्तों। तो आपने उनके किचन में चले गए, आपने उसको वीलॉग बनाने के, जावेद निहारी वाले जो वो ऐसे बनाते हैं चीजें, तो ऐसी चीजें हो ना जहां पे लोग पहले कभी नहीं गए हों, तो ऐसा फेमस होटल हो गया, सही। फॉर एग्जांपल जब पीएसएल की टीम्स आई थी, आप जिना बाग चले जाएं, वहां से आप पीसी होटल की आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, वहां से बताएं कि भाई ये सिक्योरिटी, ये लेयर्स हैं, ये मुझे मुश्किलात आई यहाँ आने में, जिना बाग आने में। तो मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो किसी और को नहीं की हो लेकिन लोगों को जानने का शौक है, तो उनके ऊपर आप वीलॉग बना सकते हैं दोस्तों, फूड आइटम्स के बारे में बना सकते हैं, घूमने की जगह पे बना सकते हैं, उस पर भी आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे दोस्तों, सही। तो ये हो गया कि भाई आपको जो होगा वॉच टाइम कैसे होगा, क्योंकि सारा जो कंटेंट मैंने आपको बताया है ये है इंटरेस्टिंग कंटेंट। इसकी वीडियो आप बनाएंगे जितनी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाएंगे, एक बंदे ने अगर एक दफा उसको खोल गए तो वो जाहिर सी बात है वो एंड तक देखेगा आपकी वीडियो। अब लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरू में जब आप चैनल बनाते हैं तो आपको इश्यू होता है कि भाई व्यूज कैसे आएंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने व्यूज कैसे लेने शुरू में। व्यू एक दफा आ जाए फिर बाकी आपके कंटेंट का कमाल होता है कि वो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम दे। तो दोस्तों व्यूज कैसे आएंगे, व्यूज के बारे में हम बात करते हैं। व्यूज ऐसा है कि उसका सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है यूज ऑफ सोशल मीडिया। आपने फेसबुक खोला, फेसबुक के ऊपर आप गए, जो बड़े बड़े पेजेस हैं वहां गया, आपने उसके कमेंट में लिखा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके फेसबुक फैन पेज हैं, सही, जैसे बेकार वाइंस हो गया हमारे पास, बीबी हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हैं, सही। तो दोस्तों आप उनके चैनल्स पे जाएंगे, वहां आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों ने जिनको वो किया हुआ उनके आप कमेंट की रिप्लाई में करेंगे तो वहां से आपको मिलेंगे। ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ट्विटर पे जो होता है टॉप ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, तो आपने वहां पे अपनी वीडियो अपलोड कर देनी है और साथ में जो टॉप 10 ट्रेंड्स की हैं वो आपने हैशटैग लगा देने हैं, सही। हैशटैग इमरान खान, हैशटैग बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च, हैशटैग ये, हैशटैग वो, ये सारे हैशटैग जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी वीडियो जो कि
ट्विटर पे टॉप पे आ जाएगी, जब टॉप पे आ जाएगी तो लोग उसको ज्यादा देखेंगे, सही, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, जो आपके शुरू के व्यूज हैं वो आपको इस तरीके से मिलने लगेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका स्टडी का चैनल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप OLX पे ऑनलाइन ट्यूशन का एक एड बनाएं, जो जो बंदा आपको वो करेगा एक्सेस करेगा, आप उसको बताएंगे भाई ये हमारा चैनल है, यहाँ आप आके वीडियोस देख सकते हैं, वो बंदा आएगा उसकी भी हेल्प हो जाएगी, फ्री ट्यूशन मिल जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपको व्यूज मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक और तरीका होता है कि आप बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर लें, उनके साथ कोलेबरेट में अपनी वीडियो उनको रिक्वेस्ट करें कि एक हफ्ते 10 दिनों के लिए मेरी वीडियो अपने कोलेबरेट में लगा दें, सही। तो जब वो लगाएंगे और उनमें से कोई आपकी वीडियो के अंदर इन हो जाएगा, दोस्तों आप उनका एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उनके बारे में जाने, इंटरेक्शन हो उनसे, वो इंटरव्यू जब आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और उस इंटरव्यू की लिंक जो होगी वो अगर वो अपने फेसबुक चैनल पे वो अपलोड कर देते हैं, फेसबुक पेज पे अपलोड कर देते हैं, तो दोस्तों आपके पास कितना ट्रैफिक आएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा दोस्तों अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो एक और तरीका भी आपके पास है, हमारे कई दोस्त होते हैं उनकी एक वीडियो जो होती है वो वायरल हो जाती है, 6-7 हज़ार व्यूज उस पर आ जाते हैं, बाकी जो वीडियोज उनकी होती है उस पर इक्का दुक्का व्यूज आ रहे होते हैं। तो दोस्तों आपकी जो वीडियो वायरल हो जाए उसके ऊपर आप कार्ड्स लगाएं, जिसको पहले एनोटेशन कहा जाता था उसको कार्ड्स के नाम से आता है। आप क्या करेंगे जब वीडियो एंड होने वाली है उस वक्त अपनी दूसरी वीडियो जो उससे रिलेटेड है तो दोस्तों उसका लिंक डालिए, जब आप उसका लिंक डालेंगे तो एक बंदे ने वो वीडियो देखी अब वो दूसरी वीडियो भी देखेगा, इस तरीके से आपके एक वीडियो के वजह से बाकियों के व्यूज भी बढ़ेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है प्लेलिस्ट बनाएं, प्लेलिस्ट मेंटेन रखें, हर वीडियो को प्लेलिस्ट में डालें, ढेर सारी प्लेलिस्ट बनाएं, क्योंकि पहले जब हमें मुख्तलिफ जेनेरिक पे काम करना होता था दोस्तों तो हम मुख्तलिफ चैनल बनाते थे यूट्यूब पे, सही, एक बंदे का 6-6 चैनल 7-7 चैनल चल रहे होते थे, सबसे अर्निंग आ रही होती थी। अब चूंकि रिव्यू सिस्टम है अब आपको बहुत मुश्किल से आपके 4000 वॉच आवर्स होते हैं, तो अब आप एक ही चैनल पे मुख्तलिफ काम कीजिए और अलग से प्लेलिस्ट बना लीजिए, जितनी ज्यादा प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं आप बनाइए, लेकिन ये होगा कि एक बंदा जब एक वीडियो देखेगा तो वो दूसरी वीडियो पे भी लाजमी आएगा, वो तीसरी वीडियो पे भी लाजमी आएगा। अपने टैग्स मैच रखिए प्लेलिस्ट वाली वीडियोज के ताकि सर्च में आते रहे। दोस्तों एक और चौथा तरीका है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप में से जो जिनके पास पैसा है वो ये कर सकते हैं, वो एडवर्ड्स प्रमोशन कर सकते हैं। एडवर्ड्स पे दोस्तों ये होगा कि जैसे अभी आपके यूट्यूब पे अभी एड्स आ रहे हैं तो आपका जो वीडियो होगी वो दूसरे के एड्स पे आएगी, तो दोस्तों इससे ये होगा कि आपको लाजमी एक व्यू मिलेगा, कोई बंदा होगा वो आपके चैनल को आपकी वीडियो को व्यू करेगा, लेकिन इसके लिए मैं इसको वो नहीं करता क्योंकि इसका पे बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि अगर आपको एक व्यू चाहिए तो कम से कम आपके 2-3 रुपए का पड़ेगा, तो अगर आपको अभी जैसे मैंने शुरू में कहा था 50,000 व्यूज चाहिए तो आपको 1-1.5 लाख में पड़ जाएंगे। हाँ अगर आप इसको बूस्ट देना चाहें शुरू वाला, शुरू के 500-600 व्यूज करना चाहें वो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन भारी इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा।